हेलो ऑल ऑफ यू, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट्स पार्ट थर्ड। जिन स्टूडेंट्स ने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड नहीं देखा है तो आप क्या करेंगे, इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, उसमें मैंने आपको लिंक प्रोवाइड कर रखा है, ठीक है? तो वहाँ पर जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ने वाले हैं, लाइक इंटर कन्वर्जन ऑफ फ्रक्टोज इंटू ग्लूकोज एंड ग्लूकोज इंटू फ्रक्टोज, चेन लेंथनिंग के बारे में पढ़ेंगे, चेन शॉर्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से ऑलमोस्ट आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में, ठीक है? तो यहाँ से जरूर एंड तक बने रहिएगा इस वीडियो में, और साथ साथ में नोट्स प्रिपेयर करते चलिए ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना आए जब आप रिवाइज करो, ठीक है? और बार बार वीडियोस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार अच्छे समझो, दो बार अच्छे समझो, अपने नोट्स बनाओ अपने तरीके से, ठीक? तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। तो देखो बच्चों, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंटर कन्वर्जन। तो आप हेडिंग डालेंगे इंटर कन्वर्जन, ग्लूकोज इंटू फ्रक्टोज, ठीक है? आप क्या करेंगे, सबसे पहले ग्लूकोज को फ्रक्टोज में चेंज करेंगे, यानी सबसे पहले आपको क्या लेना है यहाँ पे, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज क्या होता है, देखो आपको ग्लूकोज और फ्रक्टोज का जो फॉर्मूला है, यानी जो फॉर्मूला होगा वो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है? सी एच ओ एच एच ओ एच एच ओ एच एच ओ एच एच सी एच टू ओ एच। और यहाँ पे आपको क्या लेनी है, थ्री मॉलिक्यूल ऑफ फिनाइल हाइड्राजीन, ठीक है? इसके जो रिएक्शन है ये क्या है आपके पास, एक डी ग्लूकोज। इस डी ग्लूकोज का क्या करना है आपको, फिनाइल हाइड्राजीन के साथ इसके रिएक्शन करवाने हैं। तो तीन मॉलिक्यूल लोगे इसमें, सी सिक्स एच फाइव एन एच एन एच टू, क्लियर है? यहाँ से अब क्या निकलेगा, यहाँ से निकलेगा दो तो वाटर मॉलिक्यूल सी सिक्स एच फाइव एन एच टू और एमोनिया, ये तीनों चीज़ें बाहर निकलेंगी। और यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, सी एच डबल बॉन्ड एन एन एच सी सिक्स एच फाइव, और यहाँ से हमारे पास सी डबल बॉन्ड एन एन सी सिक्स एच फाइव, यहाँ से ओ एच एच सी ओ एच एच सी ओ एच एच सी एच टू ओ एच, ये क्या बन गया आपका, ग्लूकोसा ग्लूकोसा जोन, ग्लूकोसा जोन की आपकी हो गई यहाँ पे फॉर्मेशन, ठीक है? अब आप क्या करेंगे यहाँ पे, इसकी इसकी करेंगे आप हाइड्रोलिसिस, ठीक है? H पॉजिटिव और एच सी एच टू हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो ये जो आपका बना है ये किस में चेंज हो जाएगा आपका, एल्डिहाइड में सी एच ओ में, ठीक है? सी एच ओ में। दूसरा होगा आपका कार्बोनियल में चेंज, यहाँ पे आ गया आपका ओ एच एच, यहाँ पे ओ एच एच ओ एच एच सी एच टू ओ एच, क्लियर? समझ में आया? अब ये जो बना है इसकी हम करेंगे रिडक्शन, रिडक्शन हम करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक। क्या करेंगे इसके, करेंगे हम रिडक्शन। तो रिडक्शन हमारी हुई इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक, और यहाँ पे आपको लेना है एसिटिक एसिड वन मोल, एक मोल लोगे आप यहाँ पे एसिटिक एसिड। तो यहाँ पे जो ये सी एच ओ है ये किस में चेंज हो जाएगा आपका, एल्कोहल में। तो ये क्या होगा यहाँ पे, सी एच टू ओ एच, सॉरी सी एच टू ओ एच, सॉरी सी एच ओ है यहाँ पे सी एच टू ओ एच, सी डबल बॉन्ड ओ एच एच ओ एच एच ओ एच एच सी एच टू ओ एच, ये आपका बन गया डी फ्रक्टोज, ठीक है? हमें क्या करना था, इंटर कन्वर्ट करना था ग्लूकोज को फ्रक्टोज में। तो हमने क्या लिया यहाँ पे, डी ग्लूकोज लिया, डी ग्लूकोज को डी फ्रक्टोज में चेंज कर दिया। कैसे किया, हमने फिनाइल हाइड्राजीन लिया तीन मॉलिक्यूल, यहाँ से ये निकाले और हमने ये ग्लूकोसा जोन बना दिया।
उसके बाद हमने की इसकी हाइड्रोलिसिस। तो जो दोनों कायरल सेंटर पे हमारे पास चेंजेस हुए थे, यहाँ पे इनके चेंजेस होंगे एल्डिहाइड और कार्बोनियल में। उसके बाद इसकी रिडक्शन करी गई इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक और एसिटिक एसिड, लिया गया 1 मोल। जब इसके हम रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनता है, डी फ्रक्टोज। क्लियर, यहाँ पे हमने अभी बनाना सीखा है ग्लूकोज से फ्रक्टोज कैसे बनाते हैं, ये हमने सीखा है। अब हम सीखेंगे कि फ्रक्टोज से ग्लूकोज हम कैसे बनाएंगे। क्लियर, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट या अपनी नोटबुक पे पहले इसको उतार लीजिए, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे इंटर कन्वर्जन ऑफ फ्रक्टोज इंटू ग्लूकोज। हमने ग्लूकोज से फ्रक्टोज बनाना सीखा है, अब हम फ्रक्टोज से ग्लूकोज बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले लेंगे फ्रक्टोज। तो मैंने आपको पहले ही बोला है कि आपको ग्लूकोज और फ्रक्टोज के जो स्ट्रक्चर है वो याद होनी चाहिए। CH2OH, C डबल बॉन्ड OH, OH, H, OH, H, CH2OH, ये आपका है D फ्रक्टोज। फिर क्या होगा, जब हमने ये लिया इसकी हम करेंगे रिडक्शन, तो आपकी जो रिडक्शन है वो होगी इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, यहाँ पे मरकरी, और इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। जब आपने ये करा तो यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे CH2OH सिर्फ एक कायरल सेंटर पे आपका चेंज आएगा, बाकी एज इट इज। एक तो ये और दूसरा ये है आपका सॉर्बिटोल, ये आपका मैनिटोल। ठीक है, अब देखो जो ये कार्बोनियल ग्रुप है ये आपका चेंज हुआ, ये कायरल सेंटर में और कायरल सेंटर में। ठीक है, यहाँ पे क्या है, सॉर्बिटल क्यों बोला गया, क्योंकि OH यहाँ पे लेफ्ट साइड है, इसको मैनिटोल इसलिए बोला गया क्योंकि यहाँ पे जो OH है वो राइट साइड है। ठीक है, अब इन सॉर्बिटल और मैनिटोल को हम क्या बोलेंगे, पेयर ऑफ डायस्टीरियोमर्स। ये क्या है, एक दूसरे के डायस्टीरियोमर्स। अब ये डायस्टीरियोमर्स क्यों हैं, देखो डायस्टीरियोमर्स हम उनको बोलते हैं जहाँ पे हमारे पास, जैसे ये कंपाउंड है, ये दोनों कंपाउंड है, ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस नहीं है। मिरर इमेजेस क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक कायरल सेंटर पे चेंज आया है। क्या है, सिर्फ एक कायरल सेंटर पे हमारे पास चेंज आया है, बाकी स्ट्रक्चर एज इट इज है। तो हम क्या बोलेंगे इसको, ये क्या है हमारे पास, पेयर ऑफ डायस्टीरियोमर्स, क्योंकि यहाँ पे अगर हम मिरर रखेंगे तो एक दूसरे के मिरर इमेजेस नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, पेयर ऑफ डायस्टीरियोमर्स। नाउ ये सॉर्बिटोल है, ये हमारे पास मैनिटोल है। अब हम क्या करेंगे इसकी ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ HNO3 ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे जो हमारे पास CH2OH है, ये किस में चेंज हो जाएगा, COOH में। ठीक है, किस में, COOH, OHH, 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 CH2OH। ठीक है, ये हुआ, और साथ में हम क्या लेंगे, COH, OHH, क्लियर। यहाँ पे क्या हो गया, सिर्फ CH2O ग्रुप था वो किस में चेंज हो गया, COOH में। इसको क्या बोलेंगे, ग्लूकोनिक एसिड, इसको मेनोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड और मेनोनिक एसिड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसकी हीटिंग, अब क्या करेंगे नेक्स्ट इसकी हीटिंग। तो हीटिंग में क्या होगा, हमारे पास एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर जाएगा, क्या होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर जाएगा, तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा, एक मिनट मैं कैमरे में देख लेती हूँ कि आपका ये पूरा आ रहा है नहीं आ रहा, उसके बाद नहीं तो इसको रब करके करवा दूंगी। ठीक है, तो आ जाएगा, हमें क्या करना है इन कंपाउंड्स की हीटिंग। तो हीटिंग के बाद देखो क्या होगा, सी डबल बॉन्ड ओ एच 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 ओ एच ओ एच सॉरी
यहाँ पे एच है और ये चीज ओ एच एच सी एच टू ओ एच, और साथ में यहाँ पे भी सेम चीज़ होगी, यही यहाँ पे जैसे बना है, बस यहाँ पे कार्बन सेंटर पे चेंज होगा, ओ एच इधर आ जाएगा, एच इधर चला जाएगा, साथ में ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं गैमा, इसको बोला जाता है गैमा ग्लूकोलेक्टोन, इसको बोलते हैं गैमा मैनोलेक्टोन, ठीक है। अब हम इसके क्या करेंगे, रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल मर्करी और वाटर, ये करा हमने, इसकी क्या करी रिडक्शन, फिर क्या हुआ हमारे पास, ये किस में चेंज होगा, OH, CH2OH, ये हमारे पास डीग्लूकोज, और सेकेंड जो बनेगा जिसपे OH इधर आएगा एच इधर जाएगा वो बनेगा डी मैनोज, ठीक है, समझ में आया, वो अपने आप उतार लेना आप, वो बनेगा हमारे पास डी मैनोज, क्लियर हुआ आपको, बहुत आसान है, सबसे पहले रिडक्शन फिर ऑक्सीडेशन फिर हीटिंग फिर रिडक्शन, बस ये काम करना है आपको, बहुत इजी है, बस सबसे पहले आपको ज़रूरी ये चीज़ें हैं कि आपको ग्लूकोज की स्ट्रक्चर और फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर आनी ज़रूरी है, बस ये दोनों कर लेना है आप, ऐसा नहीं है कि आप सारा ही छोड़ के चले जाओ, मेन जो जो चीज़ें हैं आपकी ग्लूकोज और फ्रक्टोज को याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्लियर। तो ये चीज़ होती है हमारे पास, तो इंटर कन्वर्जन मैंने आपको करवा दी है ग्लूकोज से फ्रक्टोज, फ्रक्टोज से ग्लूकोज, ये हो गई है। अब हम स्टार्ट करते हैं चेन लेंथनिंग और चेन शॉर्टनिंग, ये स्टार्ट करते हैं, पहले आप इसको उतार लीजिए। तो अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे हमारे पास चेन लेंथनिंग, जिसको हम बोलते हैं किलियानी फिशर सिंथेसिस, ठीक है। अब लिखिए आप यहाँ पे चेन लेंथनिंग, इसको क्या बोला जाता है किलियानी फिशर सिंथेसिस, यानी फिशर सिंथेसिस चेन लेंथनिंग, ठीक है। अब इसमें आप क्या लोगे, डी अरेबिनोज, सबसे पहले आप अरेबिनोज यहाँ पे जो सबस्ट्रेट है, जो आपका मेन सबस्ट्रेट है चेन लेंथनिंग का, वो आपको लेना है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, डी अरेबिनोज लोगे सी एच ओ एच एच ओ एच एच ओ एच एच सी एच टू ओ एच, ठीक है, ये लिया आपने अरेबिनोज, डी अरेबिनोज लिया। फिर हमने क्या किया, इसकी रिएक्शन की HCN के साथ, यहाँ से इसकी रिएक्शन HCN के साथ, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, एक कायरल सेंटर आपका ज़्यादा आएगा, कैसे, CN यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास OH, CH2, OH, जिसको बोलते हैं ग्लूको नाइट्राइल, ठीक है, ग्लूको नाइट्राइल। अब यहाँ पे भी सेम चीज़, साइनाइड, यहाँ पे OH, CH2OH, मैनो नाइट्राइल, ठीक है, मैनोनाइट्राइल ग्लूकोनाइट्राइल, क्लियर। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी हाइड्रोलिसिस की जाएगी, इसकी हाइड्रोलिसिस सेम वहाँ पे भी आपको क्या करनी है, हाइड्रोलिसिस। जब इसकी हाइड्रोलिसिस होगी तो ये क्या होगा, हमारे पास जो साइनाइड है वो चेंज होगा हमारा एसिड में, यहाँ पे एच, इसको बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड, यहाँ पे भी सेम चीज इसको बोलते हैं मैनोइक एसिड, ठीक है, समझ में आया। अब नाउ हम अब इसकी क्या करेंगे, हीटिंग,
हीटिंग से क्या निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल बार, वहाँ पे भी आपको क्या करनी है, हीटिंग। ठीक है, यहाँ पे भी आपको क्या करनी है, हीटिंग। हीटिंग से आपका वन वाटर मॉलिक्यूल बाहर। ठीक है, यहाँ पे कैसे होगा, C डबल बॉन्ड हो, इसको बोलते हैं गैम्मा, गैम्मा ग्लूको लैक्टोन। ठीक है, अब यहाँ पे भी आपकी सेम चीज़ होगी, सी डबल बॉन्ड हो, CH2OH, इसको बोलते हैं गैमा मैनोलैक्टोन, गैमा मैनोलैक्टोन। ठीक है, ये बन गया। अब नाउ अब इसकी आप क्या करोगे, रिडक्शन। सोडियम मर्करी इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, सिंपल ऊपर एल्डिहाइड OH CH2H, इसको डी ग्लूकोज। यहाँ पे भी इसकी क्या करेंगे, रिडक्शन करा, वही सेम सोडियम मर्करी वाटर लेना है, यहाँ पे एल्डिहाइड OH CH2OH, इसको डी ग्लूकोज, इसको डी मैनोज, डी ग्लूकोज और डी मैनोज हमारा बन गया है। इसमें हमने क्या करा, चेन लेंथनिंग। अब देखो, पहले हमने अरेबिनोज लिया था, अरेबिनोज में क्या है हमारे पास, कहाँ गया, ये रहा, कितने कार्बन एटम है, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, अब इसमें काउंट करो 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी एक कार्बन, जो कार्बन आइटम है वो एक्स्ट्रा हो गया, तो इसको हम बोलेंगे चेन लेंथनिंग, कल्याणी फिशर सिंथेसिस। ये हमारे पास हो चुका है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है और बहुत ही इजी है। हमने सबस्ट्रेट ये लिया है, सबस्ट्रेट से हमने डी ग्लूकोज बनाया है इस रास्ते से, और इस रास्ते से हमने बनाया है डी मैनोज। ठीक, इसको उतार लीजिए पहले आप, फिर हम स्टार्ट करते हैं चेन शॉर्टनिंग, जिसमें हमारे पास दो मेथड आते हैं, रफ डिग्रेडेशन और होल डिग्रेडेशन, तो वो हम स्टार्ट करते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, अब आपको करना है चेन शॉर्टनिंग, चेन शॉर्टनिंग हम स्टार्ट करते हैं। तो चेन शॉर्टनिंग में सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं रफ डिग्रेडेशन। ठीक है, रफ डिग्रेडेशन ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है, जितना चेन लेंथनिंग इम्पॉर्टेंट है उतना ही चेन शॉर्टनिंग इम्पॉर्टेंट। क्लियर, तो ध्यान से समझना है इसको। तो देखिए, चेन शॉर्टनिंग, चेन शॉर्टनिंग डिग्रेडेशन, तो इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रफ डिग्रेडेशन। तो इसमें हम लेंगे पहले ग्लूकोज, वही सेम चीज, CH2OH ये लिया। इसको ब्रोमीन वाटर से आप क्या करेंगे, रिएक्शन, क्या करेंगे, ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन, तो COH किस में चेंज हो जाएगा, आपका एसिड में। इसको बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड। अब हमने क्या किया, इसको कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन, यहाँ पे क्या होगा, COO2+ इसको बोलते हैं कैल्शियम डी ग्लूकोनेट,
इसको बोलते हैं कैल्शियम डी ग्लूकोनेट। अब हम इसकी रिएक्शन करेंगे फेंटेंस रिएजेंट के साथ, फेंटेंस रिएजेंट, ठीक है, जिसको बोलते हैं H2O2 और इन द प्रेजेंस ऑफ Fe3 पॉजिटिव। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सीधा अरेबिनोज बनेगा, CHO OH 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 CH2 OH, ये है आपका डी अरेबिनोज। अब देखो यहाँ पे जो हम सबसे पहले हमने लिया था उसमें 6 कार्बन एटम्स थे, जो हमारा प्रोडक्ट बना है वो उसमें है 5 कार्बन एटम्स, तो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 हैं, तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट है 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे क्या होगी चेन शॉर्टनिंग, एक कार्बन एटम ही उठ गया हमारे पास, एक पूरा का पूरा ये वाला ग्रुप उठ गया और हमारे पास ये आ गया जिसको बोलते हैं डी अरेबिनोज। ये है हमारे पास रफ डिग्रेडेशन। अब हम स्टार्ट करते हैं होल डिग्रेडेशन, चेन शॉर्टनिंग में ही है वो, ठीक है, वो स्टार्ट करते हैं। पहले आप इसको उतार लीजिए अपनी नोटबुक के ऊपर। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे पास होल डिग्रेडेशन, रफ डिग्रेडेशन हमने कंप्लीट पढ़ लिया है, इसमें मैंने यहाँ पे लिख दिया है पहले, तो अब मैं समझा देती हूँ अकेला आपको। तो होल डिग्रेडेशन में सबसे पहले आपको देखो चेन शॉर्टनिंग का कॉन्सेप्ट है, यानी इसमें जो कि अगर यहाँ पे हमने जो लिया है 6 कार्बन एटम्स, तो वहाँ पे 5 रह जाएगा, अगर 4 लिया है, 4 लिया है तो 3 रह जाएगा, यहाँ पे चेन शॉर्टनिंग होगी बेसिकली, ये बोलना चाहती हूँ मैं। तो यहाँ पे डी ग्लूकोज लिया, जब हमने डी ग्लूकोज लिया तो जब NH2OH के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हैं, तो जो डी ग्लूकोज है अपने ऑक्साइम में सबसे पहले वो चेंज होगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास डी ग्लूकोज ऑक्साइम, तो ऑक्साइम की फॉर्मेशन हो गई। उसके बाद हमने एसिटिक अनहाइड्राइड और सोडियम एसिटेट के साथ इसकी रिएक्शन करी, तो सारे के सारे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं सभी, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला और ये भी, ये किस में ये क्या हो जाएंगे एसिलिएटेड मतलब कन्वर्ट होंगे इसमें, ये लग जाएगा, ठीक है, OH को हटा के हमारे पास COCH3 लग जाएगा, क्लियर। अब हमने क्या किया, इसको सिल्वर नाइट्रेट के साथ इसकी रिएक्शन करी है, तो हमारे पास क्या आएगा, ये यहाँ पे ये पूरा का पूरा ग्रुप उड़ जाता है, ख़त्म हो जाता है, और ये यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, हमारे पास ये बन गया, तो ये क्या बन गया हमारे पास डी अरेबिनोज, ठीक। तो यहाँ पे डी ग्लूकोज से हमने क्या बनाया डी अरेबिनोज, ये कॉन्सेप्ट किसका है शॉर्ट चेन शॉर्टनिंग का। चेन शॉर्टनिंग में दो आते हैं, रफ डिग्रेडेशन और होल डिग्रेडेशन। चेन लेंथनिंग हमने पढ़ ली है और इंटरकन्वर्शन मैंने बता दी है, ग्लूकोज से फ्रक्टोज और फ्रक्टोज से ग्लूकोज, समझ में आया। तो ये थी हमारे पास जो आज का वीडियो था, जो मुझे पढ़ाना था सारा कंप्लीट हो चुका है। तो आई होप फर्स्ट सेकेंड थर्ड वीडियो तो आपने देख ली होगी, पहली और दूसरी वीडियो भी आप देख लेना। कहाँ से देखोगे, जो इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, मैंने आपको लिंक प्रोवाइड कर रखा है, तो वो जरूर चेकआउट कर लेना, क्लियर। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।